प्रेज लॉर्ड हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया, मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जुलाई 10 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम परमेश्वर की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर दिन के लिए रविवार के दिन परमेश्वर की स्तुति करें, धन्यवाद दे। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए क्या हम हाथ उठाकर धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने हमें कल रात को अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें विश्राम दिया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ जगने का पिता, आपने हमें जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आज के दिन आप हमें हाथ पकड़कर अपने विश्वास योग्यता से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, प्रभु आप ही महान, आप ही अच्छे, आप ही अति स्तुति के योग्य है। हालेलुया आमेन। आप ही सर्वशक्तिमान प्रभु है, आप ही पवित्र प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु हम एक साथ आपकी स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता 22 में उसके पहले के वचनों में कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। परंतु हे तू जो इसराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखे तुझ ही पर भरोसा रखते हैं, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वे तुझ ही पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। हालेलुया आमेन। और 22वां वचन ऐसे कहता है, मैं अपने भाइयों के सामने तेरा नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया आमेन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय पिता, इस आशीष दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी सभी जरूरतों पर प्रभु आपका हाथ बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी भार से ये लोग पीड़ित है, जिस भी बात से वो पीड़ित है प्रभु, उसमें अद्भुत कार्य हो। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से उसमें अद्भुत कार्य हो। हालेलुया, जो भी रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, पूर्ण आरोग्य में चलने में सहायता करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो भी अंदरूनी अंगों में जो परेशानी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। लंग्स में उनको चंगाई मिले, लिवर में चंगाई मिले, किडनी में यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका सामर्थ्य वहाँ पे प्रवर्तित हो। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया, इंटेस्टाइन में यीशु मसीह के नाम से वहाँ पे चंगाई हो। हालेलुया, आज ही संदेश सुनने वाले हर एक जन को पूर्ण चंगाई मिले, आरोग्य उनको मिले। हालेलुया, अलौकिक चंगाई में चलने वाले हो। हालेलुया, अलौकिक आरोग्य में उनको आगे बढ़ाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया, आपने ऐसे किया है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद पिता। आपसे सब कुछ संभव है, हम जानते हैं। आपके हाथों की प्रवृत्ति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप सामर्थ्य प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। और ईश्वर मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के ऊपर प्रभु आपका दिव्य आरोग्य इनके शरीर में प्रवर्तित हो, पूर्ण सामर्थ्य आपका इनके शरीर में दिखले। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया, जो भी आर्थिक विषय में जो भार से है आप उनको छुटकारा दे पिता। जिनको नौकरी नहीं है आप उनको उसमें से छुटकारा दे, उनकी उस अवस्था से। हम प्रार्थना करते हैं व्यक्तिगत तौर से जो भी भार से है प्रभु, आप उनको सब में प्रभु आपका हाथ बढ़ाकर आप उनको सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं दुनिया भर में आज जब कलीसिया सब इकट्ठा होते हैं प्रभु, आपका अभिषेक रहे प्रभु, हर एक अभिषेकों को आप इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना करते हैं आपकी शक्ति प्रवर्तित हो,
पिता प्रार्थना करते हैं, हर एक जन प्रभु आपकी खुशी में आगे बढ़ने में, उल्लासित होकर आगे बढ़ने में सहायता करें। पिछले दिनों में जितने लोग इकट्ठा हुए थे उससे अधिक लोग परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आने में आप सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप हर जगह से आपने रास्ता खोल दिया है उनके लिए, धन्यवाद पिता। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। सारा आदर महिमा पिता हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। मेरे प्रिय लोग याद रखें, कल हमारा रात को मीटिंग रहेगा, तो आप निश्चय तौर से उसके भागी बने। हाँ, वो सब के किसका कारण बनेगा? हमारे लिए आगे बढ़ने का, बढ़ोतरी का और आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। और अगर आप में से किसी को भी जूम का लिंक नहीं मिलता है तो ये संदेश जो आपको भेजते हैं उनसे आप ज़रूर मांगे और आपको निश्चय तौर से जूम का लिंक मिलेगा। हालेलुया। आइए ध्यान देंगे वचन की ओर, प्रेरितों की किताब 17वां अध्याय उसका 11वां वचन। हालेलुया। हमेशा याद रखें, वचन में जो भी लिखा गया है वो ऐसे ही नहीं लिखा गया है, ये परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा के अगुवाई से लिखा गया हुआ वचन है। हालेलुया, आमेन। ये परमेश्वर खुद यहाँ पे वचन बन के हमें सिखाता है। हालेलुया। तो हर जगह पे हर दिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम इसी बोध के साथ पढ़ना है कि परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आइए, वचन में ऐसे लिखा गया है कि ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति के बारे में या एक देश के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे। हालेलुया, आमीन। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बिरिया करके एक जगह पर वो वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद यहूदियों के आराधनालय में गए वे लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। हम वचन में पढ़ते हैं, हालेलुया। तो अच्छे मनोभाव के साथ और उनका मन कैसा था? सीधा था। हालेलुया। हम ऐसे पढ़ते हैं वचन में इनके बारे में जो बिरिया के लोगों के लिए कहा गया है। हालेलुया। तो इनका जो प्रमुखता ये है, दो चीज बिरिया के लोगों का, पहला कि वो वचन को कैसे उन्होंने ग्रहण किया, बड़ी लालसा से पूर्ण जागरूकता के साथ उन्होंने वचन को ग्रहण किया। हालेलुया, उन्होंने स्वीकार किया। हम काफ़ी बार बहुत सारे वचन सुनते हैं, हम बहुत प्रचार सुनते हैं, हम शायद आज के दिन ही, ये सिर्फ मॉर्निंग मैसेज ही नहीं, उसके बाद आप यूट्यूब पे सुनते होंगे, ऐसे बहुत सारे वचनों को आप सुनते होंगे, लेकिन कितनी जागरूकता के साथ, कितने लालसा के साथ हम उस वचन को ग्रहण करते हैं, ये हमें ध्यान देना है। हालेलुया। हम अपने जीवन में ऐसा एक अनुभव होना चाहिए जैसे बिरिया के लोगों का था, कि हम पूर्ण लालसा के साथ, बड़ी लालसा के साथ वचन को ग्रहण करें। अब वो कोई भी बोलता हो, हम ये समझें परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आवाज़ है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को हम ध्यान देते हैं पूर्ण लालसा के साथ, पूर्ण जागरूकता के साथ, तो हमें हमारे जीवन में वो आशीष दिखती है। जैसे कि हम समाचार में अगर हम सुने कि बाढ़ आने वाली है, ऐसा कुछ आता है, तो हम उसी में हमारा मन हमेशा लगा रहता है, फिर हम उसी में सोचते रहते हैं। वैसे ही वचन को हमें पूर्ण तरीके से मनन करना जरूरी है। वचन को हम सुनने वाले हो, पूर्ण जागरूकता के साथ सुनने वाले हो, जब हम ऐसे करते हैं तो हमें उसका आशीष हमारे जीवन में दिखता है। हालेलुया। तो ये पहली प्रमुखता है इनकी, कि वो परमेश्वर के वचन को पूर्ण बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण करने वाले थे। फिर लिखा गया है कि और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। हालेलुया। इसलिए हमेशा हम जो भी वचन को सुनते हैं या जो भी है, हमेशा ध्यान देना है कि क्या परमेश्वर के वचन हम जो सुनते हैं वो वचन में लिखा हुआ है कि नहीं। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि नहीं। जो लोग वचन को सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, हमेशा हमें देखना है उनका जो आधार जो है वो वचन का पवित्र शास्त्र में क्या है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा गया है? जैसे कि हम जो खाना खाते हैं वो एक दिन खाने से हमारे शरीर को वो आरोग्य नहीं देता, हमेशा लगातार खाते रहना पड़ता है। वैसे ही वचन को भी हमेशा हमें दिन प्रतिदिन वचन को सीखना जरूरी है, वचन में हमें मनन करना जरूरी है। हालेलुया। आज के दिन हमें पवित्र आत्मा भी याद दिलाते हैं कि हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को हमेशा मनन करना जरूरी है। मेरे साथ कहे, परमेश्वर का वचन मैं रोज मनन करूंगा। हालेलुया। जब हम ऐसे करते हैं
हैं तो बिरिया के लोगों के लिए जैसे गवाही दी गई थी पवित्र आत्मा की ओर से कि वो भले लोग थे, हालेलुया, इसलिए हम भी वैसे ही बने। वचन में ऐसे लिखा गया है कुछ लोगों के लिए कि वो परमेश्वर के वचन में या उद्धार पाए लोगों के लिए कैसा कहा गया है कि वो कितने आशीषित लोग हैं, हालेलुया। प्रतिदिन जो परमेश्वर के वचन के आधार पर जीने वालों के लिए सबसे बड़ी आशीष क्या है मेरे प्रिय लोग, आमीन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था के प्रसन्न रहता है, व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, वचन में प्रसन्न रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम समझते हैं भजन संहिता 1 में जैसे लिखा है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, हालेलुया, रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है, हालेलुया। तो हम यहाँ पर परमेश्वर के आशीष को देखते हैं जो वचन में दिन रात प्रतिदिन प्रसन्न रहता है, परमेश्वर की व्यवस्था में हमेशा लगा रहता है, ध्यान किए रहता है, हालेलुया, आमीन। इसलिए हमेशा हमें देखना है कि हम जब परमेश्वर के वचन के आधार पर जब जीते हैं तो हमें उसका आशीष मिलता है, हालेलुया। काफ़ी बार लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वो अपने जीवन में आशीष को नहीं देख पाते हैं का, और उसी जगह पे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के आशीष को चखते रहते हैं। क्यों और कैसे होता है मेरे प्रिय लोग ये? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पूर्ण तरीके से विश्वास करते हैं, पूर्ण तरीके से ग्रहण करने वाले हैं, जागृता के साथ ग्रहण करने वाले हैं, हालेलुया। परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों से आशीष दे, हालेलुया। और हमें भी देख के पवित्र आत्मा कह सके कि ये कैसे लोग हैं, उत्तम लोग हैं, भले लोग हैं, इनका अच्छा मन है, हालेलुया। इनकी मनोभावनाएं परमेश्वर के वचन के आधार पर है, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, मेरे साथ कही यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।